Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to discuss your doubts of NTA exam. जिसमें आपके कुछ पांच questions हैं, वो देखते हैं one by one. बहुत ही अच्छे-अच्छे questions हैं. Question number one: For an ellipse, the locus of midpoints of chord, which are drawn through an end of minor axis, will be. Suppose this is our x-axis, this is y-axis, this is our origin. Can you see this ellipse on screen, everyone? Right. So x square by a square plus y square by b square equal to 1. ये already हमें पता है. This is your ellipse. जिसके major axis के end points होते हैं a comma 0, minus a comma 0. Minor axis के end points होते हैं 0 comma b, 0 comma minus b. अभी आपको ऐसा बोल रहे हैं कि locus of midpoints of chord which are drawn through an end of minor axis will be, कि minor axis के end से कोई भी एक end point, whether 0 भी या 0 minus भी, suppose मैं 0 भी को पसंद कर रहा हूं, तो यहां से मैं बहुत सारे chord draw कर सकता हूं. Please give me some response everyone. हाँ या ना, क्या यहां से मैं बहुत सारे chords draw कर सकता हूं? अब ये जितने भी chord मैं draw कर रहा हूं, इन सब के midpoint, इन सब के midpoint, राइट, इन सब के मीट पॉइंट को जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, राइट, एग्जांपल यहां पे छोटे-छोटे कॉर्ड्स भी आएंगे, तब आपको क्या मिलेगा वो आपको फाइंड करना है, राइट. होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, अब उसको फाइंड करने के लिए, अब आपको पता है जब भी जिसका भी लोकस फाइंड करना हो तो वो वाले पॉइंट को हम पहले कंसीडर करते हैं h कॉमा k, फिर गिवन कंडीशन का यूज करते हैं. यहां पे कंडीशन कुछ ये है. फर्स्ट कंडीशन, ये कॉर्ड है इलिप्स का. सेकंड कंडीशन, इसको आप ड्रॉ कर रहे हो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से. इन दोनों का हमें यूटिलाइजेशन करना है. चलो, कैसे यूटिलाइज कर सकता हूं, ये क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है. किसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं वो पहले पकड़ लिया तो हमारा काम हो जाएगा. आपको याद होगा हमने स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे एवरीवन, कि अगर कोई कर्व है हमारे पास सेकंड डिग्री कर्व, उसके ऊपर वाले पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं और उन दो टेंजेंट से जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बन रही है उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और अगर कोई कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है और नॉट ओनली कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, सिर्फ कोई भी कॉर्ड है एंड वो किसी पॉइंट पे बाइसेक्टेड हो रही है, किसी पॉइंट से बाइसेक्ट हो रही है, तो उसका स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. क्या ये सारी चीजें आपको याद है स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस अगर आपको याद है तो. थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत आप मुझे बताओ इसका स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा. पॉइंट यहां पे है और यहां से आप ड्रॉ कर रहे हो टेंजेंट, कर्व के ऊपर पॉइंट है, योर कर्व इज s इक्वल टू 0. व्हाट विल बी इट्स स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एवरीवन? ये तो सबसे आसान है. अनिशा नहीं है मीटिंग में, बोलो. अनघा, कोशी, मीत, t equal to 0 or not? हाँ या ना एवरीवन? टेंजेंट का t, राइट? रौनक, श्रीहरि, सानिया, रिस्पांस नहीं दे रहे हो स्टूडेंट्स? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर. हाँ, अब पॉइंट आपका आउटसाइड हो, वहां से जो आपको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिलता है, पॉइंट यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिलता है, इसका स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? यस, t equal to 0, सेम ओनली, राइट? And what about chord of contact or any chord which is bisected at x1, y1? It is t equal to s1. अब हमारे पास यहाँ पे curve है. We are having this curve. Bisected point का मुझे locus find करना है. उसको मैं h, k ले रहा हूँ. तो chord bisected है, उसका equation t equal to s1 हो सकता है everyone. इसका मैं utilization कर सकता हूँ as a condition. Locus के लिए हमारा क्या होता है? जिस भी point का आपको locus find करना है उसको h, k लो. फिर कंडीशन को यूज करो. तो यहां पे कैन आई अप्लाई दिस कंडीशन एवरीवन? एवरीवन, यस और नो? राइट, वेर योर कर्व इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अब एस से एस वन करना बहुत ही आसान है. एक्स की जगह पे एच और वाई की जगह पे के रख देंगे. हम एक्स वन वाई वन करते थे. एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1. टी के लिए आपका हो जाएगा एक्स एच बाई ए स्क्वायर प्लस वाई k by b square, exactly x x1 by a square plus y by 1 by b square
माइनस वन, माइनस वन कैंसिल. क्या पहले यहां तक क्लियर है एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. रिस्पॉन्स कम आ रहा है, एवरीथिंग ऑल राइट? आपके एमटी के डाउट भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. अगर हाँ आपके एमटी के डाउट्स है तो डाल दो ग्रुप में, करेंगे. ओके, एक्स बाय स्क्वायर प्लस वाई के बाय बी स्क्वायर, यस इक्वल टू एक्स बाय स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. अब हम दूसरी कंडीशन का यूटिलाइजेशन करते हैं. और सेकंड कंडीशन इज कि दिस आर ड्रॉन फ्रॉम जीरो कॉमा बी. जीरो कॉमा बी आपके माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट. तो अगर आप ये जीरो कॉमा बी से ड्रॉ कर रहे हो, राइट, कैन आई सब्स्टिट्यूट जीरो कॉमा बी ओवर हियर? जीरो कॉमा बी को यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. एक्स की जगह पे जीरो, वाई की जगह पे बी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें रिलेशन तो एच और के का चाहिए ना. तो एक्स की जगह पे अगर जीरो कर रहा हूँ, ये जीरो हो जाएगा. वाई की जगह पे बी, बी के बाई बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. एक एक बी कैंसल, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस के बाई बी इक्वल टू जीरो. अब ये एच और के बीच में जो रिलेशन आपको मिल रहा है वो आपको अल्टीमेटली बताएगा कि आपको कौन सा कर्व मिला है. तो एच को यहाँ पे हम वापस एक्स और वाई में कन्वर्ट करते थे, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई बाई बी. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. अगर मैं एच कॉमा के को अगेन एक्स कॉमा वाई में कन्वर्ट करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये थोड़ा कौन सा कर्व मिल रहा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई बाई बी इक्वल टू जीरो. क्या इसको मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? लास्ट टर्म इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर बाई फोर इंटू फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म स्क्वायर वाई बाई बी होल स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, फोर टाइम्स वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये कैंसिल वन बाई फोर, लास्ट टर्म इक्वल टू वन बाई फोर. सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई बाई बी प्लस वन बाई फोर इज इक्वल टू वन बाई फोर. एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई फोर. ये फोर आप इधर ले आओ उधर रखो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल. तो यहां से मैं बोल सकता हूँ आपको इलिप्स वाला ही फॉर्म मिल रहा है. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. क्योंकि इलिप्स का फॉर्म आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करके मैं वाई माइनस के, राइट, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर बाई वाई माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन. इससे आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, बट आगे सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे यही फॉर्म मिलेगा, हाँ या ना, राइट? क्योंकि यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा वाई माइनस बी और टू वाई माइनस बी उस तरीके से मिल सकता है, या आप वन हाफ को कॉमन निकालो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल, फिर वन बाई फोर को खेलो इधर उधर. सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ इलिप्स. यहाँ आपका इलिप्स बनेगा. सो इलिप्स विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, चलो ग्रेट. इसके बाद वही है, ये क्वेश्चन नंबर 15. ये काफी अच्छा वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं. इफ पी डिनोट्स द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन वी नीड टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू p, x टाइम्स साइन ऑफ साइन x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4, x टाइम्स साइन ऑफ साइन x माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स टू द पावर 6, नॉट एक्स स्क्वायर बट साइन स्क्वायर. ठीक है, चल. P है आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बिटवीन दिस टू कर्व. आपको पता ही है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम ये y स्क्वायर इक्वल टू 7x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दोनों कर्व को सिंप्लीफाई करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. दो के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करके 3 आए, 2 वन जा एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. अब यहीं से हम बोल सकते हैं दो सॉल्यूशन मिलेंगे, आगे जाने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना? नहीं सर, यहाँ पे वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 7x होगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 2 नहीं तो x इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, तो y स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा और 7x नेगेटिव रहेगा, तो कोई भी सॉल्यूशन. एग्री.
सर दिस इज द कैच हियर यस कि पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन किया तो मैंने p इक्वल टू 2 लेके मैं आगे बढ़ा देन मैंने बोला फिर इन्होंने सॉल्यूशन में दिया है x टेंड्स टू 0 सो y इज 0 फिर मैंने इनका कर्व प्लॉट किया एंड देन आई रियलाइज दिस पॉइंट कि यहाँ पे अगर हम एक स्टेप थोड़ा आगे जाके सोचेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 x इक्वल टू माइनस 1 एंड हमारा कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x तो अगर उसमें मैं x इक्वल टू माइनस 2 x इक्वल टू माइनस 1 रख रहा हूँ तो वाई स्क्वायर आपको मिलेगा माइनस 14 या फिर माइनस 7 विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए पॉसिबल है तो यहाँ पे आपका जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x का कर्व है इट विल बी समथिंग लाइक दिस एंड दिस सर्कल विल बी समथिंग लाइक दिस तो इन दोनों का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा तो p इक्वल टू 0 दिस इज फर्स्ट केस हियर राइट ये चीज बहुत अच्छी फिर अब जब आप लिमिट x टेंड्स टू 0 यहां पे रख रहे हो सपोज ये लिमिट को मैं l नाम देता हूं l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x टाइम्स sin ऑफ sin x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन x टू द पावर 6 अब लिमिट का फर्स्ट स्टेप तो आपको क्लियर ही है कि रिलीज द लिमिट द मोमेंट वी आर गोइंग टू रिलीज दिस लिमिट 0 sin ऑफ sin 0 0 माइनस sin स्क्वायर 0 0 अपॉन 0 सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 0 बाय 0 फॉर्म अब 0 बाय 0 फॉर्म में आपके पास दो ऑप्शन है आइदर आप हर एक पर्टिकुलर टर्म के लिए वो वाली मेथड अप्लाई करो या फिर आप उसमें एल हॉस्पिटल अप्लाई करो मैंने एक पेज पूरा एल हॉस्पिटल के लिए भी दिया बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ बहुत लंबा जाएगा साइन ऑफ साइन एक्स सबसे पहले यू इन टू बी अप्लाई होगा उसके बाद आपके पास एक जगह पे तीन हो जाएंगे क्योंकि साइन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब आप एक्स को कॉन्स्टेंट रखोगे साइन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ साइन एक्स एंड वापिस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स फिर आपको ये तीन टर्म पे डिफरेंशियल का रूल अप्लाई करना है उसके उसमें भी मैं आगे बढ़ा बट ऐसा कुछ एक्स्ट्रा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है कि वो प्लस माइनस होकर आपके टर्म्स यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं कुछ प्लस माइनस होकर कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो एल हॉस्पिटल इज वेरी बैड आइडिया ओवर हियर एल हॉस्पिटल से हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो वरना एल हॉस्पिटल से करना है तो सीधे ये देखते जाना है कि जीरो पुट करते टाइम जीरो कौन सा हो रहा है तो उसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करना बट वैसा नहीं कर सकते ना क्योंकि समझ रहे हो ना लिमिट में जब आपके पास दो फंक्शन है हाँ अभी 6 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स नहीं सर वो यू बाय वो हो जाएगा हाँ करेक्ट हाँ सर यू डैश वी प्लस वी डैश यू हो जाएगा हाँ सर प्लस तो, नहीं होता तो इसमें से एक जीरो हो जाता तो पूरा जीरो हो जाता वैसे कर सकते यस द थिंग इज कि अगर आपके पास लिमिट में दो फंक्शन है अगर वो प्रोडक्ट में है या मल्टीप्लिकेशन में है अगर आप ये प्रोडक्ट में लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हो इसकी कोई फाइनाइट लिमिट है वो आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसका कोई दूसरा फॉर्म है 0/0, 0/0 तो आप वहां पे आके सिंप्लीफाई कर सकते हो दिस इज फाइन दिस इज एप्लीकेबल बट एडिशन में ये काम नहीं करता है एडिशन में मान लो इसका फाइनाइट है राइट बट जैसे यहाँ पे एल हॉस्पिटल में क्या होगा कोई एक वाली जीरो वाली टर्म आ गई लाइक दैट बट ये जो उसके बगल वाली टर्म है जी ऑफ एक्स उसका कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है और नीचे डिवाइड में वापस एक्स टू द पावर 6 भी है तो वहां पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया फिर उसका आगे सिंप्लीफाई करेंगे आर यू गेटिंग माय पॉइंट जब वो सेपरेटली प्रोडक्ट में तब आप ऐसा कर सकते हो बट नॉट लाइक दिस तो एल हॉस्पिटल हम डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते दूसरा सीरीज एक्सपांशन अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सोचूं साइन थीटा की सीरीज आपकी होती है 1 माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अगर मान लो वो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ सो एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x अब साइन ऑफ साइन x वो आपका हो जाएगा 1 माइनस
साइन क्यूब एक्स बाई 3 फैक्टोरियल प्लस साइन टू द पावर 5x बाई 5 फैक्टोरियल, फिर वहां से आपकी सीरीज आगे चलती रहेगी, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स का एक्सपेंशन। यस सर, वो थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ पे थीटा आएगा, ओके सर वन नहीं आएगा। हाँ हाँ सर, सर वो कॉस में वन आता है। हाँ कॉस में सारे ऑड पावर और यहाँ पे सारे। अच्छा तो हो सकता है मेरी यहाँ पे गलती हुई हो, मैं पूरा जो भी कर रहा था उसमें ये लेके कर रहा था। एग्री एग्री एग्री, तो मैं यहीं पे अटक गया होऊंगा। एग्री राइट, यस नाउ आई गॉट माय मिस्टेक। ये पूरा जो मैंने किया वन लेके किया। दिस वाज माय मिस्टेक, ठीक है अब हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे, बट इसमें भी एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंशन से भी नहीं हो रहा है। तो अगर मैं ये साइन थीटा का यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ सर, हम ऐसे एल हॉस्पिटल लगाएंगे और वहां पे वो जो टर्म है एक्स साइन साइन एक्स, वो ईच टाइम डिफरेंशिएट हो होकर वो न्यूमरेटर हमेशा जीरो होगा ही होगा। अच्छा हाँ सर, 6 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है तो 6 टाइम्स भी जीरो होना ही है, तब भी एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। आपने किया आप पूरा वो करो, जैसे मैंने यहाँ पे 2 से 3 बार किया था साइन ऑफ साइन एक्स, बट एक टाइम पे वो क्योंकि साइन आ रहा है या एक्स आ रहा है या साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन साइन टू साइन कॉस आएगा। रिलैक्स हाँ सर, वही एक टर्म उसमें डिफरेंस न्यूमरेटर पूरा जीरो आएगा न्यूमरेटर। ओके x टाइम साइन ऑफ साइन एक्स में एक टर्म, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन पे मेरे पास आई है कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में अगर मैं x की वैल्यू जीरो रख रहा हूँ तो कॉस जीरो वन इंटू कॉस जीरो वन, वो मेरे पास वन आई है। x टाइम साइन ऑफ साइन एक्स, नहीं सर पूरा न्यूमरेटर का बात कर रहा हूँ। पूरा न्यूमरेटर हर बार 6 के 6 बार जीरो आएगा, आप ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर, अगर एल हॉस्पिटल अप्लाई करना है तो जीरो आना है। बट फिर उससे आगे कैसे, मतलब आगे सिंपलीफाई कैसे तो करेंगे? इक्वेट करके एक्स्ट्रा वैल्यू निकालने का बोल रहा है। हाँ सर वैसे। ओके आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्टली, आप करके मुझे भेज सकते हो तो फिर मैं देखता हूँ। ठीक है हम तब तक यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया x टाइम साइन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स की फॉर्मूला आपके पास है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल यहाँ पे होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 6। एम आई करेक्ट? अगर यहाँ पे मैं सीरीज एक्सपेंशन लगा रहा हूँ तो ये आपका हो जाएगा। अब मेन चीज है डिनोमिनेटर का एक्स टू द पावर 6, वो कैंसिल होना चाहिए। अब यहाँ पे हम आगे और क्या कर सकते हैं? हाँ यस अभिराम आराम से बोलो, क्या यहाँ से कुछ आगे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? यहाँ पे x है, ज्यादा से ज्यादा मैं ये सेकंड टर्म में से अगर x कॉमन निकालूंगा बाहर तो वो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। इन दोनों में से x कॉमन तो वो मैं आपका ये कर सकता हूँ। राइट, मेन हमें x टू द पावर 6 का वो करना है। लेट अस सी, ये x को अभी एज इट इज रहने दो। ये साइन x का अगर यहाँ पे एक्सपेंशन अप्लाई करो तो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल इज 6। साइन एक्स का एक्सपांशन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन, उसका क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे होल टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसको अभी जाने देते हैं। ये पूरा सिक्वेंस आपका चलता रहेगा। दिस इज होल ब्रैकेट माइनस। अब यहाँ पे अगर मैं x अंदर से बाहर निकाल रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अंदर आपके पास यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, अंदर से तो एक ही x कॉमन निकाला है तो ये एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 120। Just a minute, let me create here some space.
ओके प्लस एक्स टू द पावर 4/120 एंड सो ऑन एंड इसका तो होल स्क्वायर यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हमारा मेन पर्पस है कि डिनोमिनेटर का एक्स टू द पावर 6 वो कहीं कैसे भी दूर होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हम x को कॉमन निकाल के x को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका x तो रहेगा और ये डिनोमिनेटर में से आपका जब ये x जाएगा तो यहाँ पे आपका x टू द पावर 5 हो जाएगा। दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ कर सकते हैं? नहीं, राइट। फिर यहाँ पे पहले ब्रैकेट में आपके पास x के मिनिमम पावर बच रही है 1, ये होल क्यूब है, होल क्यूब के लिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, या फिर अगर आप x को बाहर भी निकाल रहे हो तो मिनिमम पावर यहाँ पे आपके x क्यूब वाली आएगी और यहाँ पे तो ऑलरेडी आपने मिनिमम पावर को बाहर निकाला ही है x, जिसको आप मल्टीप्लाई करना सोचोगे तो अंदर जाएगी तो रूट एक्स होके होगी, तो उसको अंदर आप मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अटक जाएंगे। एम आई करेक्ट एवरीवन? राइट, कि अगर हम डायरेक्ट सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे अटक जाएंगे। यस, रोहित इज टेलिंग सर कैन वी डू लाइक टू टर्म्स वन कंसिस्टिंग ऑफ फैक्टोरियल्स इन डिनोमिनेटर एंड अनदर टर्म कंसिस्टिंग ओनली ऑफ एक्स। नहीं, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट रोहित, मतलब तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमें यहाँ पे ये पता चल गया एल हॉस्पिटल डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है, डायरेक्ट सीरीज एक्सपेंशन ट्राई नहीं कर रहा है, तो लेट अस अप्लाई ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स, इसमें से हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला वाला कंसेप्ट जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको अगर मैं टारगेट करता हूँ, मुझे पता है साइन एक्स के डिनोमिनेटर में एक्स होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर एक्स के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर होना चाहिए। वॉट आई विल डू हियर इज और अगर वो साइन स्क्वायर के एक्स में नीचे मैंने एक्स स्क्वायर सेट भी कर दिया, अगर साइन स्क्वायर के एक्स में नीचे मैंने एक्स स्क्वायर सेट भी कर दिया, सिंस वो प्लस माइनस में है तो मैं डायरेक्ट उसमें लिमिट नहीं दे सकता। लिमिट के लिए मेरे पास रूल है कि अगर वो प्लस माइनस में आपका यहाँ पे लिमिट वाला रूल आ रहा है तो मैं डायरेक्ट नहीं दे सकता, बट प्रोडक्ट में है तो दे सकता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड नहीं करूंगा, बट ऑन द अदर हैंड मैं साइन स्क्वायर एक्स को ही कॉमन निकाल दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? अगर आपको ये रूल और अच्छे से क्लियर करना है, मैं आपको ये एनटीए का इसका क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा। एनटीए के लिमिट का एक बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है, एनटीए लिमिट चैप्टर टेस्ट का, जिसमें ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है कि प्रोडक्ट में वो क्यों अप्लाई होता है, प्लस माइनस में वो क्यों नहीं होता है। राइट, वो वाला एक क्वेश्चन है दैट, हाँ ये वाला है, ये वाला है, दिस इज द क्वेश्चन ऑन दिस। वहां पे आपके जूनियर्स सॉरी आपके सीनियर्स को यही चीज मैंने समझाई थी, तो उसमें प्लस माइनस में अप्लाई करते किस तरीके से 1500 आ रहा है और प्रोडक्ट में अप्लाई करके किस तरीके से राइट आंसर आ रहा है। हम सेकंड टाइम से एलोपिटल अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब इस मेथड में सेकंड टाइम से एलोपिटल नहीं हो रहा है। हां सर, वो 1/0 फॉर्म आ जा रहा है, एक्चुअली -1/0 फॉर्म आ जा रहा है। ओके, न्यूमरेटर पूरा 1 बन जा रहा है। अच्छा, बाकी के टर्म 0 हो जा रहे हैं, एक टर्म 1 बन जा रहा है। हां सर, डिनोमिनेटर तो 0 रहेगा और उसके ऊपर वो 1 हो जा रहा है। cos sin x into cos x वाली टर्म। ओके, तो ठीक है, तो जो यहाँ पे मैं समझा रहा था स्टूडेंट्स कि व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे sin square x को कॉमन निकालेंगे, डिवाइड बाय x square नहीं करेंगे। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर मैं sin square x को यहाँ पे कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ आपके पास बचेगा x times sin of sin x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/x6। आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर एक्स के डिनोमिनेटर में होना चाहिए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। ये एक एक आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे एक्स टू द पावर 4। अभी हमने देखा कि लिमिट एक आपका फाइनाइट फॉर्म आ रहा है, दूसरा आपका 0/0 फॉर्म आ रहा है, आप सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो अगर वो प्रोडक्ट में है तो, प्लस माइनस में है तो नहीं। तो लिमिट x टेंस टू 0, sin x by x वो आपका 1 हो जाएगा और यहाँ तो अगेन आपका 0/0 एंड 0/0 ही एग्जैक्टली देखा जाए तो। सो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, दिस इज 1/2। नाउ x sin ऑफ sin x, उसके डिनोमिनेटर में आपके पास होना चाहिए sin x और एक sin x एक्स्ट्रा रहेगा, तो उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर. ये जो वन है वो एग्जैक्टली ये पूरे ब्रैकेट का वन है यहाँ पे इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो. अब यहाँ पे वी कैन अप्लाई सीरीज एक्सपांशन, बट बिफोर अप्लाइंग सीरीज एक्सपांशन यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है. ये वाली जो टर्म है x बाई साइन एक्स, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. हाउ, लेट अस सी. जैसे ये साइन ऑफ साइन एक्स में मैं सीरीज एक्सपांशन अप्लाई करूंगा, उसमें सभी जगह साइन एक्स वाली टर्म होगी, उसके डिवाइड में ये वाला साइन एक्स होगा तो वो यूटिलाइजेशन हो जाएगा उसके अंदर. ये साइन एक्स का जब मैं सीरीज एक्सपांशन लिखूंगा उसमें सभी जगह पे एक्स वाली टर्म होगी, फिर उसके डिवाइड में जब ये एक्स रखूंगा तो उसका यूटिलाइजेशन वहां पे हो जाएगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज साइन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, उसके डिनोमिनेटर में आपके पास ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ साइन एक्स बाई एक्स, यहाँ पे माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर. अब इसको यहाँ पे मैं रखूँ सिंप्लीफाई करूँ उससे अच्छा बेटर है. विल टेक हियर एलसीएम, एलसीएम मैंने पहले एलसीएम लेके ट्राई किया और उसमें मैं अटक गया. लेट अस डू वन थिंग, एलसीएम लिए बिना ट्राई करते क्योंकि हमारा नहीं मेरे को एक नया तरीका. हाँ बिल्कुल प्रांजल बोलो. उसमें थोड़ा बीच में अटक रहा, आप बता सकते हैं क्या करना. ठीक है तो एक काम करते हैं पहले इसको खत्म कर देते हैं फिर वो डेफिनेटली वो वाला देखते हैं. ओके क्योंकि एक ये खत्म कर लेते हैं. यस सर. हाँ तो अब मेन हमारे पास ये एक्स टू द पावर फोर दूर करना है. एक्स टू द पावर फोर तब दूर होगा अगर मान लो यहाँ पे पहले वन कहीं आ रहा है अंदर इसके सिंप्लीफिकेशन में. अब ऊपर भी सीरीज मिलेगी नीचे भी सीरीज मिलेगी तो वहां पे वन लाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो वन माइनस वन आपका कैंसिल नहीं होने वाला है. सो बेटर वी विल टेक हियर एलसीएम साइन ऑफ साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स, उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा एक्स टू द पावर फोर इंटू साइन एक्स बाई एक्स. अब सभी जगह एक्जैक्टली साइन एक्स बाई एक्स वाला ही फॉर्म है. साइन थीटा का सीरीज एक्सपांशन ऑलरेडी आपको पता है. नाउ वी वॉन्ट एक्सपांशन ऑफ साइन थीटा बाई थीटा, दैट इज नथिंग बट जो साइन थीटा का एक्सपांशन है उसको हम थीटा से डिवाइड करेंगे. दिस इज आवर एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा. तो अब अगर इसे मैं थीटा से डिवाइड करता हूँ साइन थीटा बाई थीटा, दिस विल बी वन माइनस थीटा स्क्वायर बाई सिक्स थीटा टू द पावर फोर बाई 120, फाइव फैक्टर 120, बस आगे करने की जरूरत नहीं है. हाँ ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो. हाँ रोहित इज टेकिंग एलसीएम, टेलिंग एलसीएम इज रॉन्ग. क्यों रोहित एलसीएम इन दोनों टर्म का लिया है ना रोहित, इसके डिनोमिनेटर में वन है, वन और साइन एक्स बाई एक्स का एलसीएम साइन एक्स बाई एक्स हो जाएगा. तो साइन एक्स बाई एक्स यहाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई होल डिवाइड बाई साइन एक्स बाई एक्स. चेक. ओके साइन थीटा बाई थीटा ये आपका हो जाएगा वन माइनस थीटा स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर एक्स बाई सिक्स प्लस साइन टू द पावर फोर एक्स by 120 and so on minus sin x by x same concept 1 minus x square by 6 plus x to the power 4 by 120 and so on upon x to the power 4 into 1 minus x square by 6 plus x to the power 4 by 120 and so on. जब मैं ब्रैकेट को दूर करूंगा ये माइनस हो जाएगा जस्ट अ मिनट लेट मी कनेक्ट टू चार्जर. ओके थैंक यू. हाँ हाँ अभिराम ये मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर टेस्ट का नहीं है, ये कोई फुल टेस्ट का ही होगा. चलो तो अब जैसे मैं ब्रैकेट रिलीज करके यहाँ पे माइनस साइन दे रहा था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, फिर वहां से उस तरीके से सारी टर्म्स चलते रहेंगे. हाय आना एवरीवन.
तो यहाँ पे ये प्लस वन और माइनस वन पहले कैंसिल हो सकता है, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, राइट। ओवेश इज नॉट देयर इन द मीटिंग, सिद्धार्थ, प्रद्युमन, राइट, ओके, हाँ ओवेश है, ओके, चल। अब हमारे पास यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स बाय सिक्स, उधर एक्स स्क्वायर बाय सिक्स माइनस एक्स टू द पावर फोर बाय 120, डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर फोर, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय सिक्स प्लस एक्स टू द पावर फोर बाय 120। हमारा मेन एम था ये एक्स टू द पावर फोर को दूर करना, अब हम फंस गए हैं, इसको भी हमें दूर करना है। इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं समझना, अगर ये जो साइन स्क्वायर एक्स बाई सिक्स है माइनस वन बाई सिक्स, साइन एक्स का एक्सपेंशन अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल दैट इज सिक्स प्लस एक्स टू द पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल दैट इज 120, यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। सिमिलरली वन अपॉन 120, हमें क्या करना है कि एग्जैक्टली सारी टर्म को हमें कनेक्ट करके देखना है कि कौन से पावर वाली कौन सी टर्म हमारे पास बच सकती है। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, अब साइन टू द पावर फोर एक्स, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई सिक्स, इन सबकी हो जाएगी पावर फोर, प्लस वहां पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाई सिक्स माइनस एक्स टू द पावर फोर बाई 120, या उसे वहीं पे मैं लिख देता हूँ, अब तो ये दूर हो गया है, ये पूरा चलता जाएगा सीक्वेंस, फिर आपके पास है अलग से एक्स स्क्वायर बाई सिक्स माइनस एक्स टू द पावर फोर बाई 120, ये चलता जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास है एक्स टू द पावर फोर, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिक्स प्लस एक्स टू द पावर फोर बाई 120, एंड ये वाला हमारा है लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। अब अगर यहाँ मैं ब्रैकेट में से x कॉमन निकाल दूं तो बाहर x स्क्वायर आ जाएगा, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, राइट। तो ये बच जाएगा 1, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x टू द पावर 4। यहाँ पे अगर x कॉमन निकालता हूँ तो बाहर x टू द पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा x स्क्वायर, राइट, क्योंकि x क्यूब में से एक x निकला है और वो सेम टर्म एग्जैक्टली, ओके, उस तरीके से पूरा चलता जाएगा। उसके बाद वाले टर्म में एक्स टू द पावर सिक्स आ जाएगा, हाँ या ना एवरीवन, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट। चलो अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जब भी ये होल स्क्वायर वाली टर्म का पूरा एक्सपांशन होगा, ये वाला पूरा, यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें मल्टीनोमियल थ्योरम लगाना है पूरा एक्सपांशन करने के लिए, उतना आगे जाना नहीं है बट हम थोड़ा सोचेंगे, मल्टीनोमियल थ्योरम लगेगा एक्सपांशन होने के लिए, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीनोमियल थ्योरम लगेगा पूरा एक्सपांशन होने के लिए, फर्स्ट टर्म, हाँ, बट वो मल्टीनोमियल थ्योरम में ये फर्स्ट टर्म तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिक्स ही आएगी, माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिक्स इंटू वन, क्योंकि वन तो रहेगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे प्लस एक्स टू द पावर फोर बाई 120 आएगी, हाँ या ना एवरी वन, राइट। तो कैन आई से दैट कि जो ये वाली सारी आपकी फर्स्ट फर्स्ट टर्म्स हैं इन सभी एक्सपांशन में, और जो राइट हैंड साइड पे आपको मिल रहा है वो सब कैंसिल होता जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिक्स इंटू फर्स्ट टर्म प्लस एक्स स्क्वायर बाई सिक्स कैंसिल हो जाएगा, ओनली फर्स्ट टर्म आई एम टॉकिंग अबाउट, एक्स टू द पावर फोर बाई 120 इंटू वन, ये मिला के जो फर्स्ट टर्म होगी ये और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इन अ सेम वे यहाँ पे जो थर्ड टर्म होगी एक्स टू द पावर सिक्स वाली, वो इसके तीसरे ब्रैकेट होल टू द पावर सिक्स में जो फर्स्ट टर्म आएगी उसको ये मिला के ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना एवरी वन, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, ओके, फर्स्ट टर्म। बट द थिंग इज अब आगे कैसे बढ़ा जाए, अब आगे कैसे बढ़ा जाए, जो उन्होंने सॉल्यूशन में दिया है, न्यूमेरेटर, मेरे को तो आंसर ही गलत लग रहा है सर, न्यूमेरेटर जीरो है और साथ में डिनोमिनेटर भी जीरो है, हमें ये दूर करना है एनी हाउ, अगर ये एक्स टू द पावर फोर दूर हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, दैट्स इट। अब हमें ऊपर जो एक्स टू द पावर फोर वाली टर्म होगी उसका कोएफिशिएंट ढूंढना है, समझना, अब जो ऊपर में एक्स टू द पावर फोर वाले टर्म होगी उसका कोएफिशिएंट ढूंढना है, हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि मेन एम है एक्स टू द पावर फोर को ही हमें दूर करना है, हाँ या ना, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये वन माइनस जीरो जीरो तो वन होगा, एग्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे सर मेरा सर घूम रहा है, ये कहाँ से क्या चल रहा है, मैं एक डेढ़ घंटे से कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, तब जाके मुझे ये पिक्चर अभी क्लियर हो रही है, हाँ समर सर आप ऊपर स्क्रॉल करोगे, एक डाउट है, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, मुझे बस ये थोड़ा फिनिश कर लेने दो, बिकॉज वी आर टू क्लोज, हम बहुत क्लोज हैं अभी, ठीक है। अब जैसे मल्टीनोमियल थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं अगर, राइट, हमें ये ढूंढना है
कि x टू द पावर 4 वाले टर्म का कोएफिशिएंट क्या आ सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 टर्म है, जो ऊपर अब पूरा एक्सपेंशन बचेगा उसमें आपके पास मिनिमम टर्म कौन सी आएगी, समझना यहाँ पे आपके पास 1-1 स्टार्टिंग में कैंसिल किए थे ना सर, तो उसको भी रख के वो जो 1 माइनस x स्क्वायर बाय 6 प्लस डिनोमिनेटर में है वो हर एक टर्म से कैंसिल हो जाएगा, बट वो उसमें वही है, वो हर एक टर्म से कैंसिल हो जाएगा, हम घूम फिर के वही हो जाएंगे, तो वो हर एक टर्म से कैंसिल करना, यहाँ पे फिर माइनस वन बच जाएगा, थोड़ा न्यूमरेटर में थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा, एग्री, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा और डिवाइड में एक्स्ट्रा द पावर 4 आ जाएगा, हम न्यूमरेटर में इसको कंबाइन करके इसलिए कैंसिल कर रहे थे कि अल्टीमेटली ये डिनोमिनेटर का एक्स्ट्रा द पावर 4 कैंसिल हो, तो ये जो आप बोल रहे हो ये डेफिनेट मैं कर चुका हूँ, फिर मेरे दिमाग में यही आया कि इतना कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा है, तो वो सेम चीज वही आएगी उसमें, ये sin x / x का हमें LCM लेना ही नहीं है, डायरेक्टली करते रहो, एक पूरा ट्रायल इस पे किया है मैंने कि इसको यहाँ पे ऐसा LCM लेने से अच्छा है डायरेक्ट करो, एंड डोंट वरी अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस एकाद आते हैं JEE में जो पूरे क्रिटिकल थिंकिंग बेस पे होते हैं, तो वो टाइम पे जस्ट यू कैन लीव इट राइट, अगर पहली बार देख रहे हो तो, बट अभी जो पहले से कर रहे हो तो नहीं, वेट, उन्होंने दिया है 1/18, दे गॉट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 एज 18, नाउ अब वो हम देखते हैं कि वो हमारा आ रहा है कि नहीं, लेट अस सी, एंड ऐसा नहीं एनटीए के क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होते, कभी कभी रॉन्ग हो भी सकते हैं, हम अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास और कौन कौन सी टर्म आ सकती है राइट, जैसे 1 है, एक्स स्क्वायर है, एक्स टू द पावर 4 है, होल स्क्वायर है, अगर मान लो आप यहाँ पे नॉर्मल बाइनोमियल भी अप्लाई करो, NC0 plus NC1 this to the power 1, x square वाली टर्म हमारे पास आएगी, tell me, और क्योंकि देखो बाहर x square to the power 6 तो multiply है ही, हाँ या ना, please give me some response everyone, right, अभी के लिए इसको सिर्फ आप 1 minus x square by 6 whole square compare करो, तो तब भी एक टर्म तो वो रहेगी ना जिसमें x टू द पावर 4 का वो नहीं आएगा, सिर्फ x स्क्वायर रहेगा, वही तो कैंसिल हो गई ना, 1 टू द, एक मिनट कहां कैंसिल हुई, एक मिनट, ये रही, ये माइनस x स्क्वायर टू द पावर 6 वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 इनटू माइनस x स्क्वायर टू द पावर 6 प्लस x स्क्वायर टू द पावर 6 वो कैंसिल हो गई, देखा नहीं सर, हां लिखा था ना, मेरे को तो लगता है, हां एक मिनट, नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज हम बाकी वाली जैसा फिजिक्स में करते थे वो वाला कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर रहा हूँ, मान लो बाकी वाले टर्म और ये एक्सटेंड्स टू 0 और छोटे हैं उसको इग्नोर करो, तो x टू द पावर 4 का थोड़ा कोएफिशिएंट मिल जाएगा ना, थोड़ा किसका, हां हां सर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस x स्क्वायर वो सब है ना सर, हां हां उसको ऊपर कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, वही सोच रहा था बट सर, वही मैं बोल रहा हूँ, आप करो उसको, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ, उसमें होगा क्या, मान लो अब जैसे उसको कैंसिल करने से ये जो लास्ट वाली पूरी टर्म हमारी कैंसिल हो गई ना अभी, हाँ सर, जो हमारा मर्ज होके 0 हो गया वो कैंसिल होके, हाँ तो वो टाइम पे वो क्या हो जाएगा, वहां पे ये 1 बच जाएगा, अब यहाँ तो हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यहाँ माइनस 1 बच जाएगा, डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 4 है, यहाँ हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एक्स टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट ही निकालना है ना, एग्री, बट वो तब निकालना है जब यहाँ पे ये सारी चीजें कैंसिल हो गई हैं, क्योंकि मान लो यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट निकल गया तो दिस टर्म डिवाइड बाय एक्स टू द पावर 4 यहाँ पे काम हो जाएगा, बट माइनस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 फिर हम यहाँ पे अटक जाएंगे ना, सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, आया ना, हाँ तो ये एक रीजन, मैं कह रहा हूँ जितने भी मेथड को सॉल्व कर रहे हैं हर जगह 1/0 ही आ रहा है सर, हाँ एक मिनट इसको अभी खत्म कर देते हैं, मेरे दिमाग में ये बहुत अभी आ रहा है, देखते हैं, चलो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ नॉर्मल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 होल स्क्वायर के फॉर्मूले अप्लाई करता हूँ, या बाइनोमियल अप्लाई करोगे तो भी वही आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एम आई करेक्ट, हाँ या ना, अब जिसमें आप एक्स स्क्वायर बाय 6 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस 2 टाइम्स एक्स टू द पावर 4 बाय 6, 6 या 36 प्लस ये आपकी एक्स टू द पावर 6 वाली टर्म आ जाएगी जिसका जो भी हमें लेना देना नहीं है, प्लस माइनस एग्जैक्टली माइनस, ये वाली जो टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 इसको ऑलरेडी हम कैंसिल कर चुके हैं प्लस एक्स स्क्वायर बाय 6 के साथ, हाँ या ना, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 को ये प्लस एक्स स्क्वायर बाय 6 के साथ हम कैंसिल कर चुके हैं, हाँ सर अभी सेंस बन रहा है थोड़ा, हाँ अभी सेंस बन रहा है,
सिमिलरली जब यहाँ पे मैं होल्ड टू द पावर फोर वाली अप्लाई करूंगा, होल्ड टू द पावर फोर के हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो उसमें डेफिनेटली एक्स टू द पावर फोर का आपका एक ही टर्म आएगा राइट, अगर आप बाइनोमियल अप्लाई कर रहे हो एन सी जीरो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिक्स टू दी एन सी, चलो पहले लिख ही देता हूँ, फोर सी जीरो यहाँ पे आपका जीरो प्लस फोर सी वन माइनस एक्स टू द पावर सिक्स बाई सिक्स वन, अब ये पूरा चलता जाएगा एग्जैक्टली, जिसमें प्लस माइनस भी आपका आएगा, ये सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा पावर फोर वाला एक ही टर्म आएगा जो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपका नेक्स्ट टर्म एक्स्ट्रा पावर सिक्स इंटू एक्स्ट्रा पावर फोर एक्स्ट्रा पावर टेन होने वाला है, हाँ या ना एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो पूरा सीरीज एक्सपेंशन मिलेगा उसमें एक्स्ट्रा पावर फोर का कोएफिशिएंट आपको 1/18 मिलने वाला है, 1/18 एक्स्ट्रा पावर फोर, फिर पूरा सीरीज एक्सपेंशन ऐसे चलता जाएगा जिसमें हमें कुछ पता नहीं आगे एक्स्ट्रा पावर सिक्स का कोएफिशिएंट एक्स्ट्रा पावर 10 का कोएफिशिएंट क्या होगा, और उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हाँ या ना एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा बहुत पता चल रहा है, चलेगा, दैट इज इनफ, एंड पर्टिकुलरली दिस इज जेई एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जेई एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, जेई मेंस में इसके चांसेस काफी कम है, अगर है तो एक आध क्वेश्चन जो क्रिटिकल थिंकिंग का आता है एक या दो उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो एक्स टू द पावर फोर को अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ या 1/18 नेक्स्ट वाली टर्म एक्स टू द पावर सिक्स या जो भी होगी उसमें एक्स या जो भी हमें तो दिख रहा है एक्स टू द पावर सिक्स आ रही है मिनिमम, तो एक्स या एक्स स्क्वायर कुछ तो रहेगा, यहाँ पे एक्स टू द पावर फोर है 1 - x² / 6 ये पूरा रहेगा, फिर जब हम लिमिट रख देंगे ये कैंसल, ये पूरा आपका हो जाएगा, बाकी सारी टर्म जीरो, ये 1/18 / 1 फाइनल आंसर इज 1/18। ओह बहुत ही खतरनाक वाला क्वेश्चन, नाइस एवरीवन, ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 मतलब पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम दिस सीक्वेंस, जहां पे बोल रहे हैं कमिटी ऑफ, ओके हाँ देख लेते हैं, अ कमिटी ऑफ 6 इज टू बी चूजन फ्रॉम 10 मेन एंड 7 वीमेन, टोटल 10 मेन एंड 7 वीमेन है, टोटल 17 पीपल है, 17 में से आपको 6 लोगों की कमेटी बनानी है, so as to contain at least 3 men and 2 women, 3 men minimum, 2 women minimum, the number of different ways in which this can be done if 2 particular women refuses to serve on the same committee, jisme ye 7 mein se 5 women ready hain, 2 women ne to samne se mana kar diya, nahi hum is committee mein nahi aane wale, theek hai, हाँ बोलो प्रांजल आपने किस तरीके से सॉल्व किया इसे, और जो आपका आंसर टू पर्टिकुलर वुमन रिफ्यूजेस वाला वो पॉइंट नहीं दिखा था, ठीक है आराम से, तो अब जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, वो अप्रोक्सीमेट कहाँ पे आएगा, 7000 से कम, 7000 और 8000 के बीच में, 8000 और 9000 या 9000 से ज्यादा, चलो अल्टीमेटली आपको 17 में से 6 लोग पसंद करने हैं, 17 C 6, सिर्फ इतना होता तो कितना आसान हो जाता राइट, अगर ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता तो ये बस आपका डिनोमिनेटर होता, चलो अब सर, ये 2 पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूज टू सर्व द सेम कमिटी, कमिटी मतलब फाइल लेके करना है उन्हें, वही ना हाँ, कि बाद में कैसे करना पड़ेगा, वो दोनों एक साथ काम नहीं करना चाहती कि काम ही नहीं करना चाहती, वो बस नहीं वो करना ही नहीं चाहते, 2 पर्टिकुलर वुमेन ने कमिटी में आने से मना कर दिया है, बट वो 2 पर्टिकुलर वुमेन कौन है, हाँ अब 2 पर्टिकुलर वुमेन कौन है वो भी ठीक है, वो भी नहीं दिया गया, तो इफ 2 पर्टिकुलर वुमेन देखते हैं, 1/1 करते हैं, तो यहाँ पे जैसे 6 में से 5 लोग तो आपके ये हैं, 3 मेन होंगे और 2 वुमेन होंगे, प्लस एक आपको पसंद करना है, अब जैसे 3 मिनिमम इंसान आप मतलब 10 मैन में से 3 मैन आपको लेने हैं, सो दैट विल बी 10C3, एम आई करेक्ट, हाँ या ना एवरीवन, 10 में से 3 आपको लेने हैं, 2 वुमन आपको लेनी है, 2 ऑलरेडी नहीं आना चाहते, तो 5 में से आपको 2 लेने हैं, हाँ या ना एवरीवन, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, बट द थिंग इज अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक चीज ये है, वॉट अबाउट दिस 2 वुमन, 2 पर्टिकुलर वुमन उन्होंने मना कर दिया, तो उसको बस हम एक केस कंसिडर कर देंगे, कि ये 2 पर्टिकुलर वुमन ये 7 में से कौन कौन सी हो सकते हैं वो हमें अलग से देखना पड़ेगा, हाँ
अच्छा केसेस देख लो ना, कमिटी छह की हाँ बनानी है, एक बार हाँ में चार मेन या टू वुमेन हो सकती है। अच्छा मतलब तीन मैन और दो अगर वुमन कमिटी है। बनाई छह की अपन ने, ये हाँ तो एक में टू दूसरा वाला वुमेन मैन मिनिमम ऐड है। होगा या वुमन ऐड होगा, तो चार हाँ मैन होंगे और दो वुमन होंगी और हाँ सर, केसेस में तीन ठीक करा मैन फिर होंगे, तीन तीन मैन या तीन वुमेन। वुमन। ठीक है हाँ बस इन दोनों केसेस को ऐड कर दो। हाँ सर, दो केस ठीक ऐड करो, ओके। चार मैन हाँ को फोर फोर सी 10C4 प्लस 5C2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ नहीं लाइक सर, प्लस इसमें भी में। इन दोनों केसेस में भी और दो केसेस आएंगे, हाँ एक जिसमें वो दो वुमेन जो एक साथ काम करना चाहती है वो रिफ्यूज करती है, एक जो भी साथ है काम करना वो जो चाहती दो है, वुमेन अपन है उनको उनमें से सेलेक्ट एक ही नहीं वुमेन करेंगे ना, होगी। अपन फाइव क्यों ले रहे हैं, उन दो वन वुमेन बाय को वन, सेलेक्ट ही नहीं करना है। वन बाय वन, ओवेस को पहले एक खत्म करने दो, ओवेस दोनों जो तो बोल को रहे हैं। काम साथ करना चाहते हो, दोनों कमिटी में ही काम नहीं हाँ करना मतलब चाहते। ओवेस वो कमिटी में नहीं आना चाहते, ओवेस आप उसके ऊपर क्या बोल रहे थे एग्जैक्टली? नहीं सर, इसमें ऐसे कुछ, एक बार फिर से क्वेश्चन दिखाइए थोड़ा। बिल्कुल, दिस इज द क्वेश्चन। सर यहाँ पे लिखा है कि दो दोनों एक साथ काम नहीं करना चाहती हैं, लेकिन दोनों में से एक तो काम कर सकते हैं। इफ टू पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूसेस टू सर्व ऑन द सेम कमिटी। सेम कमिटी है ना, हाँ तो मतलब तो वो, सर एक ही और मतलब कमिटी है, पांच दिखाई वुमेन नहीं होते दे। करके सर बोल सकते ऑन द स्टार्टिंग में ही, सेम सात कमिटी वुमेन बोल बोला है दिया तो फिर जो वो काम नहीं कमिटी में करेंगे का जिस मतलब क्या मेंबर है। सेलेक्ट करने वाला है उसी दोनों उस एक साथ कमिटी काम नहीं कर रहे, में। आई इसलिए चुप एग्री आई रहो। एग्री। सर एक इफ दो टू एक साथ पर्टिकुलर काम वुमेन नहीं करना चाहते हैं तो अकेले काम कर सकते हैं। सर कमिटी है कि अभी दो एक साथ नहीं काम करना चाहते, सेम कमिटी मतलब एक ही कमिटी है वैसे। हाँ तो नहीं लिटरली ये वाला हमें लेना पड़ेगा, इफ टू पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूजेस टू सर्व ऑन द सेम कमिटी, मतलब एक साथ मतलब काम नहीं ये करना चाहती वो वाला एक केस साथ काम लेना नहीं करना चाहती, अकेले अकेले कर सकती हैं। है। तो दो केसेस में इंडिविजुअल दो और केसेस आ जाएंगे बट सर। एक उनको और कैसे इससे कंसिडर अच्छा, किया जाए? हाँ हाँ सर मैं बता रहा हूँ ना, इससे अच्छा सर तो तो मैं जो बोलूं, पहले हमें एक केस लेना पड़ेगा कि जो ठीक पांच हैं जिन्हें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनका अलग से काउंट कर लेंगे, और जिनका रिस्ट्रिक्शन है उनके लिए अलग से काउंट करेंगे। तो उससे अच्छा अभी रिस्ट्रिक्शन सातों वाला ले जो लो है और जब उसमें वो दोनों से एक साथ आएंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है। सर ओवेस मुझे इज लगता टेलिंग है डिफरेंटली। ऑन द हाँ सेम कमिटी मतलब जो कमिटी उन्होंने स्पेसिफाई किया है वो कमिटी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ तो मैं किसी दूसरी कमेटी की बात कर रहा था क्या? अरे हाँ, अंदर अंदर लड़ाई नहीं करनी है हमें, आराम से वन बाय वन हम सारे पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। राइट, प्रांजल इज टेलिंग टू कंसिडर ऑल केसेस एंड उसमें से जब वो दोनों साथ में काम करेंगे उसको माइनस कर देंगे। राइट प्रांजल, हाँ सर मैं भी यही बोल रहा हूँ। ओके ठीक है, इसको देख लेते हैं पहले, अगर हो गया तो वेल एंड गुड। अगर मान लो सारे केसेस मतलब क्या होंगे कि तीन मैन दो वुमन आपको लेने हैं, राइट, एक बचे हुए लोगों में से कोई भी आ जाएगा, एवरीवन, हाँ या ना? बट ये तो कॉम्प्लिकेटेड है। 10 में से आपने तीन मैन ले लिए, 5 में से दो वुमन ले ली, उन दोनों में से किसी को लिया ही नहीं है। राइट, नहीं मतलब ऐसा सारे नहीं, केसेस में कुछ नहीं है, 7C5 कि अगर सेवनटीन मेरा सी वाला केस सिक्स ले रहे हो, अगर हाँ मेरा वाला केस ले रहे हो तो 10C3 × 7C3 प्लस 10C4 × 7C2 आ जाएगा सीधा। जब एक मिनट है, तीनों एक तीन मिनट। तीन मैन हाँ तीन हाँ वुमेन का कमिटी बना रहे हैं। जस्ट अ मिनट, ये 17 में से 5 लोग चले गए, 12 बचे, 12 में से एक आ जाएगा, इस तरीके से अगर मैं सोच रहा हूँ। इसमें ये दोनों आ गए, एक मैन सर भी हो नहीं तो सकता है अगर वुमन भी ओवर हो केस सकता है। लेके भी कर तो ऐड करने के बजाय जिसमें वो दोनों आ रहे हैं उसको सबट्रैक्ट करना बेटर रहेगा। एक मिनट, वन बाय वन जाएंगे। तो जो प्रांजल आपने बोला आपने ये किया, राइट, 10 में से 4 मैन, 5 में से 2 वुमेन, या 10 में से 3 मैन, 5 मैंने में तो से, पहले सात वाला किया था, अच्छा 7 वाला, सॉरी सेवन सी सॉरी, टू हाँ, और यहाँ 7C3। राइट, इन दोनों को आपने ऐड किया, करेक्ट, हाँ सर, लास्ट ओके वाला ओके। लाइन पढ़ा नहीं था सर, इसको सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं किया था मैंने। हाँ सर, इसके बाद जिसमें अगर वो दो वुमेन आ रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब दो वुमन साथ में आ रहे हैं वो वाला केस आप कैसे लोगे? दो वुमन, वही दो पर्टिकुलर साथ में आ रहे हैं,
हाँ सर, तो जब चार मेन है तो उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है? 10c4, बाकी वुमेन तो टू टू सी टू वही चूज करना है, दो वुमेन में से दो हाँ वुमेन चूज हो गया। ठीक है। और जब तीन मेन आ रहे हैं तो 10c3 हाँ इंटू 5c1, मतलब पांच में से एक वैसी वुमेन चूज करना है ओके, बाकी बाकी पांच में से। पांच दो में से एक। में से दो तो अपन ने पहले ही चूज कर ली ना, जो काम नहीं करना एक साथ चाहती वो हाँ दो सर, वो चूज कर ली, तो तीन एक चूज है करनी ही। है तो एक बचा, एक जन को चूज हाँ सर, करना टू सी बचा, तो टू। 5c1 आ गया। हाँ, देखो टोटल 7 वुमन है, सात हाँ में सर, से 5 और 2, राइट। हाँ तो सर, ये 5 में से एक ले ली, और ये जो दो और वो दो में सात से में दो ले ली। दो दो में से दो वाला तो यहाँ पे केस है, राइट, नहीं दोनों सर, वुमन। इसमें हाँ तीन हाँ मेन तीन वुमेन लेना है ना, वहां पे सिर्फ एक मिनट। चार हाँ मेन दो वुमेन लेना हाँ हाँ था। हाँ गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट, यहाँ पे ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, इसका क्या आ रहा है आंसर? टेन सी फोर वाली ये दो टर्म, उसमें होगा 7c2 - 2c2, प्लस 10c3 वाली दो टर्म, उसमें होगा 7c3 - IC1 2c2। चलो 10c4 पहले एज इट इज रख रहा हूं। 7c2 7 से 2 कदम पीछे डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2c2 तो 1 हो जाएगा, राइट। NCn = NC0 2 3 7 प्लस 10c3, 7c3 7 × 6 × 5 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, दैट विल बी 6। 5c1 5, 2c2 1 हो जाएगा। तो यहाँ 7 3 21 - 1, वो बचेगा 20। 10c4 × 20 प्लस 10c3 35 - 5 30। ओके चलो, 10c4 चलो डायरेक्टली कर लेते हैं। 10 9 8 7 1 2 3 4, 4 कदम पीछे डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल × 20 प्लस 10c3 upon 3 फैक्टोरियल × 30। चलो 4 5 20, 3 3 9, 2 4 8, 3 10 हो जाएगा, 2 4 जा। पहली वाली टर्म आपकी हो जाएगी 7 5 35, 4 3 12, 10 × 12 × 35 प्लस दूसरी वाली टर्म आपके पास हो जाएगी 10 × 9 4 36 × 10। तो ये तो 3600 समथिंग मिलेगा एवरीवन, और ये भी 3500 से ज्यादा ही मिलेगा, इट विल बी मोर देन 3500। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, क्योंकि आपको तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है ना। तो ये वाली वैल्यू मोर देन 7000 मिलेगी, 7000 to 8000। हाँ फाइन, हो गया, नाइस। ओके अब तो प्रांजल अभिराम आपका वाला हो गया। अब ओवेश जो आप अलग अलग बोल रहे थे उसमें भी यही आया आंसर? नहीं से बैठ रहे क्या? ओके तो अलग अलग वाला अप्रोच कौन सा था आपका? कैन यू टेल मी हियर कि सर वो मतलब बड़ा था? थ्री मेन प्लस थ्री वुमेन वाला जो केस था उसमें टू वुमेन को अलग से सिलेक्ट करेंगे और एक वुमेन को अलग से सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो तीन हाँ वुमेन को अलग से ही सिलेक्ट कर देंगे। ओके okay. थ्री मैन प्लस 2 वीमेन, ये हमें एक्स्ट्रा लेना है एग्जैक्टली। एंड वेयर इज दैट कर्सर, जस्ट अ मिनट। अब एक्स्ट्रा हम यहाँ पे ले सकते हैं 1 मैन और 1 वुमेन, तो इट विल बी 4 मैन प्लस 2 वुमेन और 3 मैन प्लस 3 वुमेन। अब हमारा काम, हमारा पर्पस ये है कि डायरेक्टली हम ये ले रहे हैं कि दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, राइट। ठीक है, तो दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। अब इसमें आपने क्या किया ओवेश? ये तो 10 में से 4 ले लिए मैन, राइट। विमेन में 5 में से 1 ले ली और 2 में से 1 ले ली, करेक्ट आया ना? हाँ ओके, अब ये वाले में 3 ये लेने हैं। अब ये 3 विमेन को आपने कैसे लिया? सर, वो दोनों एक साथ एक नहीं तो ले। ये वाला होगा कि YC2 into 2C1। हाँ,
देखो इसमें तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीनों के तीनों पांच से आ गई राइट, या फिर पांच में से एक आई है, वो पांच में से दो आई है दो और दोनों में से एक आई है करेक्ट। हाँ सर बस ये होगा ठीक है, बस फिर इसको आपको देखना है आगे ठीक है। नाइस, तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमारे पास 10C4 ठीक है, 10C4 के साथ 20 आया, 10C3 के साथ 30 आया, वो अगर हो रहा है तो हो जाएगा। 10C4 के साथ यहाँ पे 10 हो रहा है, 10C3 के साथ यहाँ पर ठीक है, व्हाटएवर पर नाइस ठीक है। जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एवरीवन। तो वो अच्छा ये हो जाएगा आपका 10 + 10 = 20 हो जाएगा अब राइट। अब ये वाला आपको यहाँ पे इनका सम 30 होना चाहिए, वो बस आप ओवेश चेक कर लो, इन दोनों का सम 30 हो रहा है। नाइस, चलो मजा आ रहा है एवरीवन। कोशी, निधि, रिया, सानिया, समर्थ, रोहित, कुछ लोग तो चले गए। बस सर आप करो क्वेश्चन, हम आराम से सो रहे हैं। हाँ वंश अंडरस्टैंडिंग सर नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट ले लो क्योंकि यही सेम आपका भी होने वाला है फ्यूचर में। सर घूम रहा है ओके। तो यहाँ पे ये मेथड से भी आपका 10C3 का कोएफिशिएंट हो गया 30 और यहाँ हो गया 20, सो परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये थोड़ा वेक्टर अलजेब्रा का है बट नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा पढ़ ही चुके हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, टू नॉन कोलिनियर वैक्टर आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, टू पैरेलल नॉन जीरो वैक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, एनी फोर वैक्टर्स इन 3D स्पेस आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, नन ऑफ दिस, एनी फोर वैक्टर्स इन 3D स्पेस आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, उन्होंने डायरेक्टली दे दिया है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर डिपेंडेंसी, पहले दो वैक्टर के लिए समझ लेते हैं। थ्री डायमेंशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो फिजिक्स में थोड़ा राइट, जिसमें आप बहुत सारे कंसेप्ट के लिए आप वो 3D प्लेन ड्रॉ करते थे, इवन आई क्रॉस जे क्रॉस के, वो सारी चीजों से आपने एक्स वाई जेड लिखने का भी एक पूरा रूल पढ़ लिया है। दिस इज एक्स वाई देन एक्स क्रॉस वाई आई क्रॉस जे के, दिस विल बी योर जेड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर डिपेंडेंसी एंड लीनियरली इनडिपेंडेंसी। अगर एक वेक्टर है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, तो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं वेक्टर ए इक्वल टू के वेक्टर बी लिख रहा हूं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, हाँ या ना, या डायरेक्शन रिवर्स भी हो सकती है, अगर के नेगेटिव आएगा तो डायरेक्शन भी रैंग हो सकती है, सॉरी डायरेक्शन भी रिवर्स हो सकती है। सिमिलरली अगर मुझे तीन वेक्टर के लिए बोलना हो, अगर मान लो तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो उसको मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ। पहला ऑप्शन वेक्टर ए इक्वल टू के वेक्टर बी प्लस, या अगर मैं कॉन्स्टेंट्स को जो भी नाम दे रहा हूँ, अल्फा और बीटा नाम दे देते हैं सपोज, सो अल्फा वेक्टर बी प्लस बीटा वेक्टर सी है राइट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी वेक्टर ए है, ये वेक्टर के किसी मल्टीपल को मैंने ले लिया अल्फा वेक्टर बी का, और सी का कोई वेक्टर मल्टीपल ले लिया बीटा वेक्टर सी, उन दोनों का समेशन, ये सम रूल आप पढ़ चुके हो फिजिक्स में, हाँ या ना, ट्रायंगल रूल, अल्फा वेक्टर बी प्लस बीटा वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए, सो दिस इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट, ये आपके लीनियरली डिपेंडेंट है, ये उसके लिए होगा। और अगर इसी को अगर पूरा एक सीक्वेंस में लिखो, लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोला जाएगा, अगर k1 वेक्टर a1 प्लस k2 वेक्टर a2 अप टू kn वेक्टर an, ये अगर मैं जीरो ले रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इन सबको इस तरफ ले जाऊंगा तो अल्टीमेट आंसर जीरो आएगा राइट, जीरो और नथिंग बट वेक्टर जीरो, और सभी के सभी कोएफिशिएंट्स मुझे जीरो मिल रहे हैं, k1 इक्वल टू k2 अप टू kn, सभी के सभी जीरो मिल रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मतलब ऐसे कोई कोएफिशिएंट मुझे मिल ही नहीं रहे हैं
जिसके लिए k1 वेक्टर a1 प्लस k2 वेक्टर a2 अप टू kn वेक्टर n आपके लीनियरली डिपेंडेंट हो। ओके ये थोड़ा उसका डेफिनेशन होगा। अब जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं पहले टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। दो ऐसे वेक्टर जो कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में नहीं है तो क्या वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे? टेल मी, जब दो वेक्टर की बात की गई है स्टूडेंट्स, दो वेक्टर है तो सिर्फ दो वेक्टर तो तभी आपके सेम हो सकते हैं, तभी आपके लीनियरली डिपेंडेंट हो सकते हैं जब वो एक लाइन में हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। हाँ या ना? आइदर वेक्टर ए यहाँ पे है और वेक्टर बी यहाँ पे है, या फिर वेक्टर बी रिवर्स है, तभी वो लीनियरली डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए तो पहले ही रॉन्ग है, ऑप्शन ए आपका यहीं पे रॉन्ग हो जाता है। टू पैरेलल नॉन जीरो वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब समझना, टू पैरेलल नॉन जीरो वेक्टर, अगर नॉन जीरो वेक्टर्स आपके पैरेलल हैं, फिजिक्स में आप फ्री वेक्टर्स पढ़े थे स्टूडेंट्स, फ्री वेक्टर्स, जब आपको समेशन करना था ये वो, एक वेक्टर को उठा के आप कहीं भी रख देते थे विथ इट्स डायरेक्शन एंड विथ इट्स मैग्नीट्यूड। मैथ्स में भी ये कंसेप्ट आपको सेम फॉलो करना है, हमारे सारे वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स हैं, हम उसे उठा के कहीं भी रख सकते हैं बट उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो अगर ये वेक्टर ए को यहां से उठा के, मैंने ये दोनों पैरेलल हैं, इसको उठा के अगर मैं यहां पे रख रहा हूं तो क्या आप बोल सकते हो कि ये दोनों कोलिनियर होंगे? एवरीवन, कोलिनियर भूल जाओ, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। हाँ या ना? एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। वेक्टर ए इक्वल टू के वेक्टर बी यहां पे भी फॉलो होगा और उसको पैरेलल लिख रहा हूं यहां पे भी फॉलो होगा। तो वेक्टर ए इक्वल टू के वेक्टर बी, अगर वो पैरेलल है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि पैरेलल है मतलब डायरेक्शन सेम है। अब मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, अलग भी हो सकता है। सो टू पैरेलल नॉन जीरो वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दैट इज रॉन्ग। लीनियरली इंडिपेंडेंट दैट इज रॉन्ग, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। वेक्टर ए इक्वल टू के वेक्टर बी, इज दिस क्लियर एवरीवन? फिर ए आपको एक स्टेटमेंट दिया गया, एनी फोर वेक्टर्स इन 3D स्पेस आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। ये डिपेंड करता है इस पे, ये जब हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे तब पढ़ने वाले हैं। एनी थ्री वेक्टर्स इन 3D स्पेस आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। कोई भी तीन वेक्टर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट होंगे वेक्टर अलजेब्रा में। क्यों? क्योंकि कोई एक वेक्टर मान लो इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर भी वेक्टर सी दूसरी अलग अलग डायरेक्शन में, तो कोई ना कोई अल्फा बीटा तो ऐसे आपको मिल ही जाएंगे कि अल्फा वेक्टर भी और बीटा वेक्टर सी करोगे प्लस में माइनस में, तो घुमा घुमा के आप जुगाड़ करके वेक्टर ए ले आओ। एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और डिटेल में हम देखेंगे M25 में, बट अभी के लिए आप डायरेक्टली याद रख दो, कोई भी तीन वेक्टर है तो वो ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट होने वाले हैं। ओके, अब अगर ये तीन लीनियरली डिपेंडेंट है, वॉट अबाउट फोर्थ? एंड यस, यहाँ पे Always is asking, what if three vectors are parallel and one is in another direction? Okay, मान लो कि तीन वेक्टर आपके पैरेलल हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, और चौथा वेक्टर कोई दूसरे डायरेक्शन में, वन इज इन अनदर डायरेक्शन, ये वेक्टर डी है, एग्री? द फोर्थ वेक्टर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट थ्री वेक्टर्स, एग्री? क्योंकि फर्स्ट थ्री वेक्टर्स का अगर हम समेशन करेंगे फ्री वेक्टर्स लेके, तो ये डायरेक्शन मिलेगी, या ज्यादा से ज्यादा ये डायरेक्शन मिलेगी। फोर्थ वेक्टर इज नॉट लिनियरली डिपेंडेंट ऑन अदर थ्री। यस ओवेश, लिटरली गुड ऑब्जर्वेशन, थ्री के लिए पॉसिबल है, व्हाट अबाउट फोर्थ? बट थ्री में भी, अब ये सेम क्वेश्चन मेरे पास थ्री में भी आ गया कि अगर दो वैक्टर पैरेलल है, थर्ड ऐसा है, तो पैरेलल को अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मुझे ये डायरेक्शन मिलेगी या ये मिलेगी, व्हाट अबाउट दिस? So any four vectors in 3D space are always linearly dependent. Okay, तो इसको थोड़ा और explore करना पड़ेगा, अभी इसको यहीं पे रखते हैं। I'll explore further. Okay, so let us see this last question. Can you see this last question, everyone? Sigma r equal to 1 to 100, 10 to the power, oh sorry, 10 of 2 to the power r minus 1 upon cos 2 to the power r. Chalo, it is somewhat like telescoping. Hi, Anna, everyone. But yahan pe aapke jo sari terms hai, wo kis type ki hai? Jaise r ki value agar aap 1 rakh rahe ho, 10, 2 to the power 0 upon cos 2. 10, 2 to the power 1 upon cos 2 square. 10, 2 square upon cos 2 cube. अप टू जब r की वैल्यू में 100 रखूंगा, 10 2 टू द पावर 99
अपॉन कॉस 2 टू द पावर 100, एम आई करेक्ट एवरीवन? हाँ या ना? राइट. अब यहाँ पे कुछ तरीके से हम अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करके कोई माइनस फॉर्म में ले आए, दैट वी नीड टू थिंक. जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, दे हैव कन्वर्टेड दिस इनटू 10 टू द पावर r माइनस 10 टू द पावर 2 r माइनस 1, लेट अस सी. तो cos 2 थीटा की हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हाँ या ना एवरीवन? क्योंकि cos 2 टू द पावर r है, उसे मैं cos 2 टाइम्स 2 टू द पावर r माइनस 1 लिख सकता हूँ. एवरीवन, cos 2 थीटा इट इज योर 1 माइनस t स्क्वायर, राइट? 1 माइनस 10 2 टू द पावर r माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर 2 टू द पावर r माइनस 1. एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, राइट? cos 2 थीटा की वैल्यू. तो इसको अगर मैं आर्थ टर्म ले लूं, दिस इज 10 2 टू द पावर r माइनस 1 अपॉन cos 2 थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 2 टू द पावर r माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 2 टू द पावर r माइनस 1. अब आगे क्या किया जाए एवरीवन? डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10 स्क्वायर के ज्यादा से ज्यादा फैक्टराइजेशन कर सकते हो. 1 माइनस 10, 1 प्लस 10. सर इसके लिए मैं एक अच्छा मेथड मिला था. हाँ बिल्कुल, बोलो बोलो. सर पहले tan को sin cos में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, अभी वही सोच रहा था सर. ओके आर्यन, तो tan को अगर sin cos में कन्वर्ट करें, sin 2 टू द पावर r माइनस 1 अपॉन cos 2 द पावर r माइनस 1, फिर cos को किसी एक में नीचे भी cos 2 टू द पावर r लिख दीजिए सर. हाँ वही, मतलब cos 2 थीटा में कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करें? cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ठीक है? एज इट इज, एज इट इज. ओके, यहाँ पे दिमाग लगाया मैंने, देखो 5 मिनट लगा सोचने में. फिर इसको लिख सकते हैं अपन 2 टू द पावर r माइनस 2 टू द पावर r माइनस 1 sin के अंदर. ये जो पूरी टर्म है इसको? नहीं सर, sin 2 टू द पावर r माइनस 1 है ना. हाँ हाँ, उसको अपन लिख सकते हैं sin sin 2 टू द पावर r माइनस 2 टू द पावर r माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर r माइनस 1. हाँ सर, अब इसको एक्सपांड कर दीजिए. हाँ सर ठीक है, इनटू 2 है ना, 2 टू द पावर r 2 टू द cos 2 टू द पावर r माइनस 1 माइनस cos 2 टू द पावर r sin 2 टू द पावर r माइनस 1, ऐसा है क्या एक्सपांड करने से? हाँ सर, अब एक एक टर्म पे रख दीजिए, नीचे का डिवाइडेड बाय को माइनस अलग करके रख दीजिए. तो होल डिवाइडेड बाय मत करिए, अलग अलग कर दीजिए. cos 2 टू द पावर r. हाँ ठीक है, तो ये अब हमारा आ गया 10 2 टू द पावर r माइनस 10 टू द पावर r माइनस 1. बट यहाँ से ये कैसे आया, दैट आई एम नॉट गेटिंग? इसको ये कैसे लिखा, मतलब sin के अंदर जो 2 टू द पावर r को क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर r माइनस 1 तो x मान लीजिए आप. ओके, तो फिर 2 टू द पावर r क्या हो गया? 2x. एक 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 करके अगर 2 टू द r माइनस 1 को अगर मैं x ले रहा हूँ, सर एक बार क्वेश्चन, 2 टू द पावर r माइनस 1 को ले लीजिए. 2 टू द पावर r माइनस 1 को मैंने x ले लिया. हाँ अभिराम, मेरा क्वेश्चन, तो 2 टू द पावर r 2x हो गया. ठीक है सर. ओके हाँ भाई, एक मिनट, ओवेस उधर भी आते हैं. 2 टू द पावर r माइनस 1 को अगर मैं x ले रहा हूँ, तो 2 टू द पावर 2 पावर r 2x हो गया. तो 2x माइनस x x ही होता है, इसलिए वो वहां से आया. 2 टू द पावर r इज इक्वल टू मान रहे x प्लस 1 2 टू द पावर x इनटू 2 2 टाइम्स 2 टू द पावर x, करेक्ट? हां सर. फिर आपने जो sin 2 टू द पावर r माइनस 1 है, जिसको मैंने लिया है x, उसको आपने लिखा
2x माइनस x, सही है तो उसको सोचने में 5 मिनट लग गया था मैं कैसे हाँ एक्सपांड करके ही आएगा कुछ करके साइन का पहले मैं 2 to the power r/2 को कुछ एक्सपांड करने की सोच रहा था हाँ उससे हुआ नहीं तो ये तरीका सोचा तो ये किया खतरनाक नाइस खतरनाक क्वेश्चन है लिटरली। हाँ यस ओवेश आपने सोचा वो भी सही है, मैं भी यहाँ पे वही सोच रहा था कि आगे और क्या किया जाए पार्शियल फ्रैक्शन, बट ऑसम लिटरली कि साइन 2 to the power r-1 टेन को आपने लिख दिया साइन बाई कॉस, साइन 2 to the power r-1 by cos 2 to the power r-1, फिर आगे मैं इसको कॉस 2 थीटा को अलग अलग अप्लाई करने का सोच रहा था बट उसमें भी कुछ नहीं होगा एंड अल्टीमेटली ये पूरा कंसेप्ट लाई कर रहा है यहाँ पे साइन के एक्सपेंशन के ऊपर। साइन को करने के लिए साइन 2 to the power r-1 को हम लिख सकते हैं साइन 2 to the power r-2 to the power r-1 और उसके पीछे का लॉजिक है यहाँ पे कि 2 to the power r-1 अगर x है तो 2 to the power r आपका हो जाएगा 2x, 2x को यूज कर सकते हैं हम, x को 2x-x लिख सकते हैं या इस तरीके का पूरा कंसेप्ट। मेन है ये साइन 2 to the power r-2 to the power r-1 अपॉन कॉस 2 to the power r-1 इंटू कॉस 2 to the power r, देन बस साइन अल्फा कॉस बीटा की फॉर्मूला कॉस 2 to the power r-1 माइनस कॉस 2 to the power r साइन 2 to the power r-1 अपॉन cos 2 to the power r-1 cos 2 to the power r, यहाँ पे cos 2 to the power r-1 cos 2 to the power r, sin by cos आपका ये हो जाएगा 10 2 to the power r माइनस 10 2 to the power r-1, बस फिर तो आसान है, एक बार ये हो गया फिर तो हमें टेलीस्कोपिंग अप्लाई करना तो इजीली आता ही है। नाइस nice.